मैक्स वो भी। अरे मैं नूब बन के आई थी, कपड़े में घूम रही थी। Hey Squadians, it's yo, Mr. Samus Squad is here. आज सुबह सुबह हम लोग गेम प्ले बनाने के लिए गेम स्टार्ट करते हैं। हम क्या देखते हैं, जुजुत्सु काइज़न मोड जा चुका है, रिकॉल सेंटर भी जा चुका है। अब उन्हीं में से दो तीन मैच हम लोगों ने खेले और एक मैच में एक गर्ल गेमर आई हुई थी जो कि बिल्कुल लूब कपड़े पहने हुए थे, उसने बिल्कुल लूब कपड़े पहने हुए थे। और आगे चल के क्या होता है कि भाई ग्लेशियर एक सूट पहन के आ जाती है वो, और उसका टीममेट भी मम्मी है, मम्मी सूट पहन के आ जाता है। भाई हम लोगों ने बोला लॉबी में पहन के रखा करो यार तुम लोग फिलहाल के लिए। हम लोग उतरते हैं नोवो में और नोवो में यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारी स्क्वाड आ जाती है। अब यहाँ पे आप लोग को एक शॉर्ट गन का खतरनाक क्लच देखने के लिए मिलने वाला है, बस आप लोग देखो। और जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक ठोक दो। अब देखो शॉर्ट गन का क्लच आप लोग देखने के लिए रेडी हो ना, रेडी हो ना, बस रेडी हो जाओ। मैंने बोला था शॉर्ट गन का क्लच देखने के लिए मिलेगा, मैंने ये नहीं बोला था कि मैं करने वाला हूँ। भाई सामने बंदे को फुल डैमेज किया शॉर्ट गन से, फिर स्कारल से उसको मारने के लिए जंप करके शूट किया, उसने एक शॉर्ट गन चिपकाई, मैं नॉक, विक्की खुद के आया, विक्की भी नॉक, फिर उसके बाद एक्सट्रीम ने जैसे तैसे करके भाई यहाँ पे हम लोगों को बचा लिया। तो आज RIP एक्सट्रीम नहीं, आज RIP विक्की एंड साइबर होने वाला था, यहाँ पे बच गए। अब सामने की तरफ एक अलग स्क्वाड दूसरी स्क्वाड से फाइट ले रही थी, तो मैं यहाँ पे आके बैठता हूँ, हील वगैरह करता हूँ, फर्स्ट एड वगैरह लगा के, और तब तक यहाँ पे देखता हूँ कि सामने से भाई खून के छींटे पड़ रहे हैं और सामने M4 से एक बंदे ने भर दिया दूसरे बंदे को। अब इन दो बंदों की पेटी बनाता हूँ मैं, ये कहीं से मार मूर के आ रहे थे, उसके बाद आप लोग को तो पता है बॉट अंकल आ ही जाते हैं हमेशा क्लच करने, तो यहाँ पे बॉट अंकल की पेटी बनती है। अब उसके बाद हम लोग गाड़ी लेके यहाँ से निकल रहे थे, हमें लगा था यहाँ कोई बंदा नहीं है, तभी यहाँ कंटेनर की साइड से मुझे एक बंदे के फुट्स आए। अब मैंने इस बंदे को पहले डैमेज दिया, फिर कवर में आया, उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रीम ने आके सीधे गाड़ी डाल दी उसके मुंह पे और वो उसे मारने के लिए बाहर की तरफ आया, और उतने में यहाँ भैया इनकी पेटी बन गई। अब नोवो की सारी सारी स्क्वाड खत्म हो गई थी, दो चार बॉट वगैरह भरे हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं बंदों की तलाश में। अब यहाँ पे भाई मजेदार सीन होने वाला है, सामने एक बंदा दिखाई दिया, मुझे लगा कोई बॉट है, मैं गाड़ी चढ़ाने के लिए गया और ये देखो भाई, ये भैया बॉट नहीं बंदे निकले। अब गाड़ी से तो बच गए, और उसके बाद देखो यहाँ पे भाई सीधे उसने बाइक उठाई और पहली फुर्सत में धूम 69 बना के निकल गया। अब भाई ये बंदा जो भागा है ना फुल धूम 69 बना के, आप लोग को यकीन नहीं होगा। अब इस बंदे का पीछा करते करते हम लोग आते हैं, बंदा गायब। बंदा गायब होने के बाद हम लोग फ्लेयर के साइड जा रहे थे, फ्लेयर चली थी और उसी टाइम पे यहाँ पे एक गाड़ी आई और पीछे फायर हुआ। अब इन सारे बंदों को थोड़ा थोड़ा करके डैमेज हो गया। भाई पूरे बंदे जबरदस्त लिट थे। अब यहाँ पे इन बंदों का पीछा करते करते आए और इन बंदों को यहाँ पे मजबूरी में रुकना पड़ता है। अब देखो यहाँ का सीन, मजदूरी। अब मैंने यहाँ पे दो बंदों को नॉक कर दिया, अब इनका तीसरा बंदा देखना पता नहीं कौन सा गांजा लेके बैठा रहता है। एक मौली करी मैंने और सीधे इन बंदों पे रस कर दिया, लेकिन भाई तीसरे बंदे की ताकत देखो। मतलब भाई ऑलमोस्ट रिवाइव कर ही दिया था भैया ने, 2 सेकंड बाकी होंगे, उसके टीममेट ने बोला होगा मत छोड़ हो जाऊंगा, और उतने में हो गया इस स्क्वाड का काम तमाम। तो गाइस जल्दी जल्दी से लाइक कर दो और जो लोग भी नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब इन बंदों की पेटी बनाने के बाद हम लोग जा रहे थे वापस से नोवो साइड, तभी यहाँ पे हमें एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। अब यहाँ पे देखो सीन क्या होता है,
इस बंदे को एक हेड और दो चार बॉडी लगी, लेकिन ये बंदा यहाँ से बच के निकल गया और उसके बाद एक्सट्रीम वहाँ पे उसका पीछा करते करते गया और वो बंदा वहाँ आगे जाके उतर जाता है। अब उसका पीछा करते करते हम लोग जाते हैं और यहाँ पे भाई साहब एक अलग से स्क्वाड आ जाएगी और उसके बाद भाई इतनी खतरनाक हरामी स्क्वाड रहेगी, वो ट्राई करेंगे मीटअप स्कैम करने का। फिलहाल के लिए इस घर के अंदर बंदा था, मैंने यहाँ पे ग्रेनेड किया, हमें लगा कि ऊपर बंदा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो बंदा कहाँ था और रिफ्लेक्स देखना। भाई एक कमाल का ड्रॉप शॉट और इन भैया की पेटी बन गई और उसी टाइम पे पीछे के साइड से एक अलग स्क्वाड आ गई। आई थिंक सो ये स्क्वाड इसी के टीममेट थे। मैं पीछे के साइड आता हूँ, सबसे पहले अपने आप को हील करता हूँ। एक्सट्रीम को बोला मैंने गाड़ी ले जाके लेफ्ट साइड वाले में, ऊपर चला जा घर में। अब ये देखो ये बंदा यहाँ पे जंप कर रहा था और उसी टाइम पे मुझे ग्रेनेड खुलने का साउंड आया और ग्रेनेड फेंक भी दिया उन बंदों ने। अब भाई मैं समझ गया कि एक बंदा जंप करके स्कैम कर रहा था और बोल दिया उसने कि दूसरे बंदे को कि तू भाई मार और मैं इनका काटता हूँ हूतिया। और उसी टाइम पे इनका एक बंदा राइट साइड रोटेशन दे रहा था जिसे मैंने अच्छा खासा डैमेज कर दिया। अब जो बंदा जंप कर रहा था, देखना ऐसा नहीं है कि उसके टीममेट स्कैम कर रहे थे, उसे मीटअप ही करना है। अभी तो उसकी असलियत देखो आप लोग, उसका असलियत, उसका पर्दाफाश होगा। अब यहाँ पे राइट में जो बंदा गया था काफी ज्यादा लिट था, तो मैंने विक्की कॉल दिया, मैं जैसे हील कर लूंगा तो उसके बाद राइट साइड से भाग के जा, मैं कवर दूंगा। अब विक्की को तो उस बंदे ने नहीं मारा, लेकिन जैसे ही मैं यहां से निकलता हूं, देखो ये वही बंदा था जो अभी थोड़ी देर पहले जंप कर रहा था। भाई इतने खतरनाक स्कैमर्स आ गए ना गेम के अंदर, क्या ही बताएं। फिलहाल के लिए मैंने विक्की कॉल दिया, चल आगे एक साइड चलते हैं और यहां पे भाई देखो क्या सीन होता है। भाई UMP द गॉड गन, और ये बंदा यहीं पे टीपी भी लेके रखा हुआ था, इसने मुझे नॉक किया। मैंने विक्की बोला जल्दी रिवाइव कर और उतरे में ही आप लोग को भाई फुट्स आ गए होंगे कि तीनों बंदों ने हम पे रस कर दिया और ग्रेनेड देखो कहां पे गिरा हुआ है। भाई थोड़ा सा पीछे रहता तो ग्रेनेड के झटके से ही नॉक हो जाता मैं। अब ये बंदे हम पे रस कर देते, मैंने विक्की कॉल दिया पीछे आ जा, लेकिन विक्की वहीं फंस जाता है, मैं पीछे आ जाता हूं और अब देखो जलवा। 3, 2, 1 एंड बूम। इसी के साथ यहाँ पे दो बंदे में नॉक कर देता हूँ। अब नॉक करने के बाद एक्सट्रीम को बोला मैं कि राइट साइड से तू कवर कर और सीधे हम लोग इन बंदों पे कर देंगे रस। अब रिकॉल सेंटर तो था नहीं, तो भाई कोई रिकॉल होने वाला है नहीं। सबसे पहले तो इन मीटअप स्कैमर्स को हम लोगों ने फिनिश किया। उसी टाइम पे स्मोक हुआ यहाँ पे, तो इसका जो तीसरा बंदा था वो भी रस कर रहा था, लेकिन वो उल्टे पांव यहीं से किसी बिल्डिंग में छिप गया। और फाइनली थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो इस ट्रिपल स्टोरी में आके ऊपर बैठ गया है। मैं इधर साइड से चढ़ने का ट्राई करता हूँ, उधर से मैंने विक्की को बोला कि तू नीचे की साइड से रह, उसके फुट्स वगैरह दे उसे, और मैं इधर से चढ़ के और इसको भरने का ट्राई करता हूँ। और मैं जैसे तैसे करके यहाँ ऊपर चढ़ा और तभी मुझे बंदे की मुंडी दिखी। एंड इसी के साथ मीटअप स्कैमर्स की पेटी बन गई। तो गाइस ये वाला क्लच आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में बताना, अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और RIP मीटअप स्कैमर भी कमेंट में बरसा देना। अब फिलहाल के लिए आप लोग को लास्ट में जो एक फाइट देखने को मिलेगी, ये लो भाई मैं इसी चीज की बात कर रहा था, अभी एक टीम के साथ इतनी भयंकर फाइट होगी इतनी देर तक कि भाई सोच भी नहीं सकते आप लोग। अब यहां से हम लोग जा रहे थे गाड़ी वाड़ी लेके, उसी टाइम पे सामने की तरफ से M24 का शॉट लगता है मुझे। अब वो बंदा बैठा हुआ था यही स्क्वाड हाउस में, मुझे पहले लगा ऊपर है लेकिन वो नीचे रहता है। अब इस बंदे को अच्छा खासा डैमेज किया और उसके बाद हम इन पे जाके रस करने वाले थे और उसी टाइम पे भाई देखो सीन। भाई लेफ्ट साइड से बंदे आ जाते हैं, एक के ऊपर तो मैंने गाड़ी ही चढ़ा दी, तो सैलमोन भाई ओपन द चैट हो जाएगा इस ग्रेनेड M4 स्प्रे क्लोज कॉम्बैक्ट UMP गॉड। साथ ही साथ सैलमोन भाई की ड्राइविंग आप लोग को सब कुछ देखने के लिए मिलता है हमारे इस चैनल पे, वो भी इंटेंस फाइट के साथ। अभी टीयर चल रहा है एज डोमिनेटर और एज डोमिनेटर से 200 पॉइंट्स हम लोग आगे, मतलब 5400 पॉइंट्स में, तो ऐसे कमाल की गेम प्ले, ऐसे कमाल के गेम प्ले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक ठोक दो। अब भाई राइट साइड से एक बंदा फिर से कार 98 चलाने लगता है।
अब यहाँ पे जैसे हम लोग निकल रहे थे भाई इसने M24 ठोक दी मेरे को चलती गाड़ी पे। अब ड्राइविंग देखो विक्की की। अब भाई साहब जैसे तैसे करके इस बंदे की यहाँ पे हम लोगों ने पेटी बना दी। उसी टाइम पे पीछे के साइड से फायर हो रहा था हम लोगों पे। अब आप लोगों ने एक चीज देखा होगा मैं यहाँ पे मेरी UMP रीलोडिंग पे थी और उसी टाइम पे रीलोडिंग के टाइम पे मैंने फायर कर दिया। तो एक ट्रिक है जहाँ पे आप रीलोडिंग करते करते भी फायर कर सकते हो अगर आपके गन में बुलेट्स हैं तो। अब भाई यहाँ पे ये बंदे AWM और M24 लेके बैठे हुए थे और इनके साथ जो अब घमासान जंग होने वाली है बस आप लोग देखो। अब ये बंदे ने हमारी टेस्ला पूरी पूरी फाड़ दी थी मतलब धुआं निकाल दिया था। और ये बंदों को देखो भाई कितने खतरनाक है AWM लेके एक जगह पे बैठे हुए और इनसे लगभग से 5 से 7-8 मिनट 10 मिनट तक फाइट चलती है M24 वर्सेस M4। भाई ये फाइट लिटरली ये बंदे अलग अलग जगह पे पोजीशन चेंज कर करके हमें मारते हैं मतलब अलग अलग कोनों से। अब यहाँ पे हमने प्लान बनाया मैंने विक्की को बोला तू नॉक हो जा हेलमेट वेस्ट उतार दे अपना नॉक हो जा। उसी टाइम पे पीछे के साइड से बंदा और आई थिंक सो ये ग्रेनेड कर रहा था। उसी टाइम पे ये इसका जो दूसरा टीम मेट है ये जंप करने लगता है तो मैंने भाई जंप करके उसको बताया ठीक है भाई लेकिन आई थिंक सो ये बंदा जंप कर रहा था। अब यहाँ पे हमारा प्लान ये था कि विक्की जैसे ही नॉक होगा तो भाई वो बंदे कर देंगे हम पे रस। इसलिए विक्की को मैंने बोला कि भाई तू नॉक हो जा और यहाँ पे विक्की नॉक हो जाता है। अब हमें यहाँ पे वेट था कि भाई वो बंदे रस करेंगे लेकिन ये बंदे ने हम पे रस किया ही नहीं। अब यहाँ पे एक बार फिर से विक्की नॉक हो गया हमने फिर से सोचा कि कम से कम इस बार तो रस करेंगे लेकिन ये बंदे अभी भी हम पे रस नहीं कर रहे थे। और हम लोगों ने ये मीटअप वाले बंदों से बोल दिया कि भाई गन वगैरह गिरा दो पता चले तुम भी हम पे स्कैम ना कर दो। अब यहाँ पे भाई M24 का फटका पड़ा सामने वाले बंदे को और हमने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया मेरी HP आधी थी मैंने तुरंत कॉल दिया विक्की को एक्सट्रीम को कि भाई ये तो हम पे रश नहीं कर रहे हैं चल भाई अब वो बहुत देर से हम लोग भाई फाइट ले रहे हैं लॉन्ग रेंज की अब सीधे करेंगे रश। लेकिन यहाँ का सीन देखो क्या होता है भाई मैंने यहाँ पे सीधे रस करके और उसके बाद ग्रेनेड कर दिया इन बंदों ने मुझे 20 HP कर दिया था। तो ग्रेनेड करने के बाद अपने आप को हील करता हूँ उसके बाद राइट में पत्थर के कवर में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे का सीन देखो आप लोग कितना खतरनाक फाइट सीन होने वाला है। सामने मैंने ग्रेनेड किया मुझे इस घर के अंदर से बंदे फुट्स आ रहे थे लेकिन तभी वो बंदा पीछे साइड भाग के चला जाता है और मुझे फुट्स आते हैं मैंने यहाँ पे ग्रेनेड कैंसिल किया और तुरंत ही मैंने यहाँ पे एक सामने स्मोक किया। विक्की एक्सट्रीम को कॉल दिया कि मैं राइट साइड धीरे धीरे करके प्रोन होके ना राइट साइड जाता हूँ हिल के साइड और उसके बाद यहाँ पे इनकी पेटी बनाऊंगा। लेकिन भाई ये बंदे भी बहुत ज्यादा चालाक थे। मैं यहाँ पे ऐसे जा रहा हूँ ना जिनमें से भी एक बंदा इनका ऐसे ही जा रहा था लेट के और यहाँ पे मुझे तभी वो बंदा दिखाई दिया। मैंने यहाँ पे एक्सट्रीम विक्की कॉल दिया गाड़ी लेके घुमा के पीछे हिल पे पहुंचो और तब तक यहाँ पे हिल पे एक बंदा पहुंच चुका था। मैंने बोला कि वहां पे गाड़ी लगाओ लेकिन वहां पे ऑलरेडी एक बंदा आ गया। भाई मेरी M4 सिंगल पे थी। अब जैसे तैसे करके इस बंदे को हम लोगों ने नॉक किया लेकिन इनका एक टीममेट यहीं सामने कहीं लेटा हुआ था। लेकिन भाई तब तक वो वहां पहुंच चुका था पीछे साइड से रोटेशन दे के और उसके बाद इनकी जो पेटी बनी है भाई उसके लिए एक लाइक कर दो। कमाल की टीम थी ये भाई रोटेशन ओपी था और इनसे जो फाइट चली थी भाई बहुत लंबी फाइट चली थी। अब उसके बाद यहाँ पे बसते हैं अपने दो मीटअप वाले बंदे उसके बाद ये बोलते पैन फाइट करना है मैंने बोला चलो फिर हो जाए शुरू। और उसके बाद यहाँ पे इन बंदों से पैन फाइट करता हूँ एक बंदा तो डायरेक्ट नॉक और दूसरे वाले को देखना भाई पैन फाइट में क्या ही होगा गलत ही स्मोक में एडजस्ट होने वाला है। ये लगा पहला पैन। गाइस जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी लाइक कर दो जो लोग भी नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब यहाँ पे स्मोक के अंदर इस भैया की मैंने पेटी बना दी। तो गाइस जल्दी जल्दी से लाइक ठोक दो सब्सक्राइब ठोक दो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। और वो जो नूब बन के ग्लेशियर वाली बंदी आई थी वो हमारे एक मैच में आई थी जहाँ पे वो लोग फिर जॉर्जो पुल में हमें मिलते हैं और वहां से चले जाते हैं और उसके बाद उनकी कोई पेटी बना देता है और एक जगह पे विक्की भैया
पूरा ओपन जगह था, पतले से पेड़ में गाड़ी ठोंक देते हैं और उसके बाद पूरी टीम हमारी पेटी बना देती है और वो मैच वहीं खत्म हो जाता है। तो भाई आरआईपी कर देना गाइस उस खतरनाक पेड़ की ठुकाई के लिए। इस मैच में भी ठोंका था लेकिन इस मैच में बच गए हम लोग। तो मिलता हूँ एक और नए कमाल के गेम प्ले में। टिल देन सो नारा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।